अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ शुएब मंज़ूर फ्रॉम शुएब मंज़ूर यूट्यूब चैनल। और स्मार्ट टेक की तरफ से एक बार फिर से आप सबको जो है वो वेलकम कहता हूँ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो बात करने वाले हैं कि हम जो है अपने WHMCS की जो वेबसाइट होती है उसकी जो है स्पीड हम जो है वो किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है ना स्पीड, अभी मैंने WHMCS आपके सामने इंस्टॉल किया है एप्लीकेशन से, मैंने एक लाइसेंस की का यूज़ किया है। तो अभी इसके ऊपर जो है हम पहले इसकी स्पीड मैं आपको टेस्ट करवाऊंगा, स्पीड कितनी आ रही है। देन मैं आपको बाद में जो है ना हम दिखाऊंगा कि इसके ऊपर जब थीम अपलोड करते हैं तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, हम स्पीड को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं वो हम जो है इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। सबसे पहले जो मैंने लाइसेंस इंस्टॉल किया है इसको मैं क्रैक में चेंज कर दूँ, क्योंकि क्रैक इंस्टॉल करना फ़िलहाल अलाउ नहीं है। ठीक है, बट मैंने जो है लाइसेंस पहले इंस्टॉल किया है, अब मेरी वेबसाइट जो है लाइसेंस पर हो गई है। अब इसकी मैं, क्योंकि वो हमसे जो है ना क्या कहते हैं डेट मांगेंगे, मतलब कि वो 1 मंथ बाद फिर पैसे मांगेंगे, सो मैं इसको जो है ना वो लाइसेंस को जो है ना मैं क्रैक में चेंज कर देता हूँ, अपना वाला क्रैक वाला ऊपर अपलोड कर दिया। अभी मैंने जो है ना उसकी जो है ना मतलब कि डेट होती है वो ख़त्म हो जाएगी, जो उसकी उन्होंने डेट दी होती है 1 मंथ की, तो ये लाइफ टाइम के लिए फ्री हो गया है। अगर ये आप सर्विस लेना चाहते हैं तो आप शुएब उससे जाकर ले सकते हैं, या आपको जो है ना $25 में मिलेगी, लाइफ टाइम आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर आप मतलब कि फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी मेन वेबसाइट जो है सर्वर के ऊपर लाइसेंस ही यूज़ करता हूँ। बहरहाल अभी तक जो है ना सालों गुजर गए लेकिन मेरे कस्टमर्स को जो है ना प्रॉब्लम नहीं आया, जिनको मैंने जो है इंस्टॉल करके दिया था। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं YouTube92.com को अब ओपन करते हैं। यहाँ पर वेबसाइट स्पीड टेस्ट भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो है ताज़ा तरीन वर्जन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और ये आपके पास आ रहा है। अब हम जो है आगे चलते हैं और यहाँ पर वेबसाइट स्पीड टेस्ट का जो गूगल का पेज है दूसरे नंबर पर आ रहा है, इससे जो है स्पीड पहले टेस्ट कर लेते हैं कि स्पीड इस टाइम क्या आ रही है, ताकि जब हम इसके ऊपर थीम अपलोड करेंगे तब देखेंगे। मोबाइल को तो साइड पर एकदम कर देते हैं। 90 तक जो है इसकी स्पीड आ रही है और ग्रीन का साइन आ रहा है। अभी 90 मैंने आपको नोट करवा दिया है, अब देखना आप जब इसके ऊपर थीम अपलोड करते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ आपको करना पड़ता है। अब थीम इसके ऊपर कैसे अपलोड होगा, WHMs क्या, वो ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ। आपने टेम्पलेट्स में आना है और यहाँ पर आकर अपना टेम्पलेट आप अपलोड कर सकते हो। अच्छा जी, मैंने इसके ऊपर जो है टेम्पलेट डाउनलोड अपलोड के लिए लगा दिया है क्लाउडर का। ठीक है, ये मैंने जो है $100 का बाय किया था और बाय करके मैंने इसको अभी जो है ना क्रैक में चेंज कर दिया है। मेरी मेन वेबसाइट के ऊपर तो लाइसेंस लगे हुए हैं, बाकी मैंने इसको क्रैक में तब्दील कर दिया है, तो ये जो है ना अगर किसी को चाहिए होगा तो वो इसको $20 में मुझसे ले सकते हैं। सोचते होंगे अभी ये फ्री में क्यों नहीं करता, तो फ्री वाले जो है ना वो दिन चले गए हैं, हर चीज़ जो है ना वो फ्री नहीं की जा सकती। जब मैं आगे इतनी इतनी भारी कीमत पे करता हूँ और आपको आगे से खुद क्रैक में चेंज करके देता हूँ, ताकि कल को आपकी वेबसाइट हैक वगैरह भी ना हो, और ख़ुद का जो $100 दिए हैं वो भी तो पूरे करने हैं ना। अच्छा जी, इसको मैंने इंस्टॉल कर दिया, अब जो है हम वेबसाइट के ऊपर ये चलेगा नहीं, यहाँ पर आ जाएं, इसको रिलोड करें, इसको जिप फाइल से निकाल लें, एक्सट्रैक्ट करें इसको, और ये वाली फाइल जो है जिप वाली इसको डिलीट कर दें। यहाँ से हमारा काम ख़त्म हुआ, आते हैं वापस, यहाँ पर स्लैश एडमिन टाइप करें, अपना एडमिन पैनल जो है उसको लॉगिन करें, यहाँ पर एडमिन पासवर्ड। अच्छा जी, आपका एडमिन डैशबोर्ड लॉगिन हो गया,
आपको जो है ना ताज़ा तरीन जो वर्जन इसका इस टाइम चल रहा है उसके ऊपर इंस्टॉल किया हमने इसको, क्योंकि हमने एप्लीकेशंस से किया है। और यहाँ पर आ रहा है कंपनी नेम, लाइसेंस टाइप, ठीक है, और एक्सपायरी डेट नेवर आ रही है। ओके, अब हम इसकी सेटिंग्स में आते हैं। एडमिन इसका जो है पासवर्ड यहाँ पर पुट करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पर टेम्पलेट में क्लाउडर जो मैंने अपलोड किया है थीम चूज़ करता हूँ, सेटिंग सेव्ड कर देते हैं। अब जो है हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर क्लाइंट एरिया ओपन करते हैं। अब वेबसाइट की जो है ना स्पीड नोट डाउन करते हैं, वेबसाइट की स्पीड इस टाइम क्या आ रही है, और वेबसाइट पर देखते हैं कि टेम्पलेट सारा का सारा जो है वो अपलोड हो चुका है और ये आपके सामने है। जो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने चीज़ बोली थी बिल्कुल उसी तरह से कर रहा हूँ। इस चीज़ के ऊपर तो एक लाइक बनता है, लाजमी तौर पर लाइक करें। अभी इसको जो है 89 आ रही है, तो इसको दोबारा जो है हम एनालाइज कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें जो है हमारी स्पीड वगैरह क्या आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल स्पीड जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। अभी इसको और भी करना है। और यहाँ पर वेबसाइट जैसे कि मैंने बोला था थीम अपलोड करेंगे, स्पीड काफ़ी डाउन जाएगी, 27 आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना खतरे की निशानी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम स्पीड आपकी वेबसाइट की आ रही है, और ऐसा अगर होता है तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है ना एक नेगेटिव रिस्पॉन्स पड़ता है, और आपके कस्टमर्स जो है ना वो इस चीज़ को नहीं करते, क्योंकि जिनके नेट जो है ना वो घटिया किस्म के लगे हुए हैं, एक आधे MB आ रही स्पीड हो उनके ऊपर, तो आपकी वेबसाइट ऐसे ऐसे करके पता नहीं कैसे ओपन होगी। तो इस चीज़ का जो है ना आपने ख्याल करना है। खैर, अभी आप देख रहे होंगे वेबसाइट के ऊपर ये आ रहा है, मैं आपको दूसरी तरफ से भी चेक करवा देता हूँ किस तरह से है, कुछ इस तरह से आपकी वेबसाइट जो है ना वो आ जाती है, मतलब कि लोड होने में टाइम ले रही है, अभी तक लोडिंग हो ही जा रही है। अगर यहीं पर सेम मैं श्वेब होस्ट ओपन कर दूं, तो ये आपको पता है इसकी इमेजेस जो है ना फौरी तौर पर शो हो जाती हैं। ठीक है, ओपन किया, आपकी जो है ना हर चीज़ जो है ना वेबसाइट उसी तरह से जो है ना फौरी तौर पर लोड हो जाती है। अगर इसको ओपन करने की हम बात करते हैं, तो ये जो है ना इमेजेस वगैरह जो है ना हर चीज़ के ऊपर जो है ना वो टाइम लेते हैं, क्योंकि इमेजेस इसकी जो है ना वो अभी तक कंप्रेस वगैरह नहीं की हुई हैं, जिससे वेबसाइट की स्पीड जो है ना वो आपको बढ़ानी पड़ती है। तो फिलहाल इस वीडियो में जो है शुएब मंजूर को इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और इस थीम का भी जो है वो परचेज़ लिंक मैं अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा, अगर आप बाय करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हर चीज़ जो है ना वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जो है ना अपनी वेबसाइट वगैरह जो है ना हर चीज़ डिज़ाइन की जाती है थीम वगैरह बाई करके, तो आगे से जब वो करते हैं तो उसके ऊपर लोग स्पैमिंग इतनी करते हैं फ्री चीज़ के ऊपर, तो वो अपने ऊपर ही जो है ना मतलब पर्सनली अटैक हो रहे होते हैं। तो ऊपर जो है 4 पैसे रख दिए जाएँ, अपना भी फ़ायदा हो रहा होता है, अगला बंदा जो है स्पैमिंग भी कम होती है, कम लोग बाई करते हैं, और अपना भी जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं आता, अपनी मेहनत भी जो है ना वो वेस्ट नहीं जाती। तो फिलहाल इस वीडियो में इजाज़त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।